नमस्कार आदाब दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताजा और तरीन बड़ी खबरें जानने का, डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों मानेसर की झुग्गियों से पलायन कर गए 300 मुस्लिम परिवार, महापंचायत में हुआ था फैसला। दोस्तों महंगाई के झटके के बीच राहत की खबर, 30 रुपए तक सस्ता होगा खाने का तेल, कंपनियों ने घटाई MRP। दोस्तों नीमच में भाजपा का दबदबा कायम, बताएंगे सभी वार्डों के नतीजों की लिस्ट। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगी वोटिंग, बताएंगे बिहार में किसके पास हैं कितने मत। दोस्तों संसद मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस तैयार, दीपेंद्र हुड्डा बोले अग्निपथ योजना पर सरकार ने मांगा जाएगा जवाब। दोस्तों खुदाई मजदूरों को मिला खजाने से भरा मटका, मटका लेकर मजदूर हुए 9-2-11। दोस्तों वेंकैया नायडू ने विदाई तोहफे के रूप में मानसून सत्र के अच्छे तरह से चलने की जताई उम्मीद। बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें मानेसर की झुग्गियों से पलायन कर गए 300 मुस्लिम परिवार, महापंचायत में हुआ था फैसला। दोस्तों 3 जुलाई को मानेसर में हुई महापंचायत के बाद लगभग 300 मुस्लिम परिवार पलायन करके अपने गृह राज्य असम चले गए हैं। बचे हुए परिवार में भी डर व्याप्त है। दोस्तों इस पंचायत में बिना पहचान पत्र में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रह रहे पूर्वोत्तर के मुसलमानों की पहचान कर रहे उन्हें वापस भेजने का निर्णय हुआ था, जिसके बाद से पलायन शुरू हुआ है। इस बारे में पूछने का मूल रूप से असम के बरपेटा जिले के रहने वाले नियामत अली ने बताया कि इस मानेसर में हुई महापंचायत के बाद लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श किया और फिर पलायन का फैसला किया। अपना आधार कार्ड दिखाते हुए उन्होंने पलायन करने वाले परिवारों का दर्द बयां किया है। नियामत ने बताया कि उनके पास आधार कार्ड है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, जबकि महापंचायत में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रहने वालों को वापस भेजने का फैसला किया गया। दोस्तों इस समय मानेसर में करीब 8 से 10 अल्पसंख्यक परिवार के रह रहे हैं, वे भी ठेकेदार से अपने कबाड़ के पैसे लेने के लिए अपने राज्य लौट जाएंगे। दोस्तों महापंचायत में फैसले भी हिंदुओं की चेतावनी के बाद अब लगातार इन प्रवासियों को स्थानीय लोगों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। मौके पर मौजूद रिवकुल इस्लाम ने बताया कि अब जब भी वे बाहर जाते तो उन्हें वैध पहचान पत्र की मांग की जाती। दोस्तों पहचान पत्र दिखाने पर उससे लोग हाथ से छीन लेते हैं और अपने पास रखकर पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में सवाल करते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन अब तक नहीं हो पाया है, इसलिए उनको धमकाया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से आधार कार्ड वापस लेकर लौटे रिवकुल अब बाहर निकलने से डर रहे हैं। दोस्तों मौके पर मौजूद शराब की बोतलें भी कबाड़ के अन्य सामान देखकर स्पष्ट था कि पलायन करने वाले सभी लोगों ने आनन फानन में आसियाना छोड़ने का फैसला किया होगा। कुछ तो ऐसे भी थे जो कबाड़ तो बनकर आए, लेकिन उन्हें ठेकेदार नहीं दे सके। दोस्तों इस बीच महापंचायत में फैसले के चलते उन्होंने अपनी झुग्गी छोड़नी पड़ी। इसी बीच में पहुंचने पर सुंदरो बानो रुकिया खातून ने बताया कि इसके पास आधार कार्ड है, इनकी फिलहाल वे अपनी झुग्गियों नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों मोहम्मद सहरुल इस्लाम भी अजीपुर रुकमान ने लगभग एक स्वर में कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें रोहिंग्या तक समझने लगी हैं, जबकि उनके पास भारत की नागरिकता है। सहरुल इस्लाम ने कहा कि असम सरकार की तरफ से उनके लिए कुछ नहीं किया गया। दूसरी तरफ यहाँ पुत्र नदी के चलते लगातार मैदानी इलाकों में कटान जारी है, इसके चलते उनके पास अब रहने की जगह भी नहीं है। ये वजह है कि लोग लगातार असम व पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं। दोस्तों कबाड़ बीनने के सवाल पर नियामत अली के साथ सभी ने एक सुर में कहा कि असम के शहर में इतनी विकसित नहीं हुई है और ना ही इतने उद्योग धंधे हैं, ऐसे में वहाँ तो इतना कबाड़ भी नहीं मिलता कि जिसे बेचकर जीवन यापन किया जा सके। दोस्तों मानेसर के सेक्टर 1 में जगह जगह कई झुग्गियाँ हैं, जिनमें से अधिकांश में असम पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के अन्य प्रवासी अल्पसंख्यक परिवार रहते हैं। हाल में दिनों में अल्पसंख्यकों को तो पहचान पत्र में पुलिस नोटिफिकेशन के नाम पर धमकाया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं को कोई परेशान नहीं कर रहे। जहां दोस्तों बोली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें महंगाई के झटकों के बीच राहत की खबर, 30 रुपये सस्ता होगा खाने का तेल, कंपनियों ने घटाई MRP। दोस्तों 18 जुलाई से यहां GST के दरों में किए जाने वाले बदलावों के कारण महंगाई को जोरदार झटका लगने वाला है, तो वहीं आपके खाने में छोके का स्वाद बढ़ जाएगा। खाने के तेल की आसमानी छूती कीमतों में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। दोस्तों आम आदमी के लिए खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में खाने के तेल की कीमतों में 30 रुपये तक की कटौती हो जाएगी। रूस और इंडोनेशिया ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए हैं, जहां इंडोनेशिया ने 31 अगस्त तक सभी पाम तेल उत्पादकों के निर्यात के लिए निःशुल्क शुल्क को खत्म कर दिया।
तो वहीं रूस में भी इसी रेस में शामिल हो गए हैं। रूस ने सूरजमुखी तेल केके के निर्यात के लिए कोटा बढ़ाने का फैसला किया है। इस रेस का लगभग भारत को मिल सकता है। दोस्तों, जहां इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल निर्यात है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम तेल के दाम में आई गिरावट के बाद से मलेशिया भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों देशों के बीच इस प्रतिस्पर्धा के बीच अब रूस भी कूद गया है। जहाँ इंडोनेशिया ने निर्यात शुल्क हटाया, तो रूस ने निर्यात कोटा बढ़ा दिया। रूस ने सूरजमुखी तेल का निर्यात कोटा को 1.5 मिलियन से 4 लाख टन बढ़ा दिया, तो वहीं सूरजमुखी केक के निर्यात कोटा को 7 लाख टन से 1.5 लाख टन बढ़ा दिया है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े देशों के बीच तेल बेचने की इसी होड़ का लाभ भारत को मिलेगा। वैश्विक बाजार में पाम तेल की कीमतों में 50% तक की गिरावट आ चुकी है और साथ में अपने तेलों को बेचने के लिए देश के बीच होड़ मची हुई है। इसका लाभ अब भारत पर मिलेगा। इंडोनेशिया के फैसले से भारत को सीधा लाभ होगा। दोस्तों, रूस के अलावा इंडोनेशिया ने भी पाम तेल के निर्यातों को बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। तेलों के निर्यात में जहां वो मलेशिया में पिछड़ा गया था, उससे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 31 अगस्त तक पाम तेल और पाम प्रोडक्ट पर निर्यात लेवी हटा दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, नीमच में भाजपा का दबदबा कायम, सभी वार्डों के नीचे। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, नीमच में भाजपा का दबदबा कायम। दोस्तों, नीमच नगर पालिका के नतीजे सामने आ चुके हैं। जिले भर में भाजपा का दबदबा कायम रहा है। नतीजे में कांग्रेस को 14 सीटें मिली, जबकि भाजपा को 23 और 2 निर्दलीय प्रत्याशी विजय रहे। दोस्तों, की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगी वोटिंग जारी। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। दोनों गठबंधनों के दलों ने अपने अपने सदस्यों को डेमो के जरिए बताया कि कैसे मतदान करना है। सोमवार को सुबह 10 बजे से विधानसभा परिसर में मतदान प्रारंभ हो जाएगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोनों तरफ से आत्मरमता की आवाज़ पर समर्थन मांगा जा रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से आदिवासी और महिला के नाम पर, तो विपक्ष की ओर से बिहारी अस्मिता के नाम पर क्रॉस वोटिंग का भी दावा किया जा रहा है। दोस्तों, मतदान के एक दिन पहले रविवार को राजद के शीर्ष नेताओं ने विमर्श किया, राजनीति पर बात की। बैठक में भाजपा की तरफ से उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम की तरफ से ज्योति देवी शामिल हुई। दोस्तों, तारकिशोर ने द्रौपदी मुर्मू को सशक्त प्रत्याशी बनाया और विपक्ष से आग्रह किया कि विचार बदले और आत्मनमता की आवाज़ पर राजद प्रत्याशी के पक्ष में वोट दे। उन्होंने कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में बयान दे रही हैं, तो भी द्रौपदी मुर्मू के महत्व को समझा जा सकता है। दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आत्मनमता की आवाज़ सुनने वाला मतदाता सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को चुनेगा। दोस्तों, मंत्री और विधानसभा में मुख्य सचेतक श्रवण कुमार ने कहा है कि जेडीयू की पूरी तैयारी है, द्रौपदी मुर्मू को बिहार से भारी बढ़त मिलेगी। डेमो के जरिए सभी विधायकों और सांसदों को बताया गया कि मतदान कैसे करना है। वैसे भी सभी पहले से अनुभवी है, कोई वोट बर्बाद नहीं करने जा रहा, सभी को पता है कि कौन जीत रहा है। दोस्तों, क्रॉस वोटिंग के भाजपा के दावे पर रजक के प्रमुख प्रवक्ता एवं विधायक भाई वीरेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा है कि यह खतरा सत्ता पक्ष को ही है। आत्मनमता की आवाज़ और बिहारी अस्मिता के नाम पर भाजपा और जेडीयू में भी कई विधायक यशवंत सिन्हा को वोट दे सकते हैं। सबको पता है कि लोकतंत्र रहेगा तब देश बचेगा, मतगणना होगी और सबको पता चलेगा। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा में विशेष व्यवस्था की गई है। प्रभारी सचिन पवन कुमार पांडे को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। इनके साथ चुनाव आयोग को भी अधिकारी हैं। बैलेट बॉक्स को कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। हर वक्त मजिस्ट्रेट एवं सुरक्षा बलों की निगरानी है। परिसर में विशेष कैमरा लगाया गया है। मतदान केंद्र पर सदस्यों को मोबाइल फोन और पेन लेकर नहीं आना है। वोटिंग के तुरंत बाद ही मतपेटी को दिल्ली भेज दिया जाएगा। पटना में विधायक वोट डालेंगे। एक विधायक का मूल मत 173 है। विधान परिषद सदस्यों की राष्ट्रपति चुनाव के वोट डालने का अधिकार नहीं होता। बिहार के सांसद चाहे तो विधानसभा में वोट डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें विहित प्रपत्र भरकर चुनाव आयोग को बताना होगा। इस तरह विधायक भी अगर दिल्ली में है तो उन्हें इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। विधायकों को गुलाबी मतपत्र और सांसदों के लिए हरे रंग का मतपत्र होगा। जी हां दोस्तों, की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, संसद मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस तैयार। दीपेंद्र हुड्डा बोले, अग्निपथ योजना पर सरकार से मांगा जाएगा जवाब। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र में इस बार कांग्रेस किसान जवान और आमजन की आवाज उठाने वाली है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि अग्निपथ योजना पर सरकार से जरूर जवाब मांगा जाएगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश की रक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता बेहाल हो चुकी है। रुपया लगातार महंगाई के कारण लोगों का घर चलना मुश्किल हो गया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर आमजन के साथ है और उनकी आवाज बनकर संसद में सरकार से जवाब मांगेगी। दोस्तों दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ ट्रक यूनियन में आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने गए थे। यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और आमजन की हालचाल भी जाना। घर परिवार का कुशल क्षेम पूछने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। दोस्तों दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों का मुद्दा भी संसद में उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के MSP पर कमेटी बनाने की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई कमेटी नहीं बनी पाई। किसानों के साथ भी केंद्र सरकार ने धोखा दिया है। किसानों की आवाज संसद में उठाने का काम भी किया जाएगा। हुड्डा के साथ बहादुरगढ़ के विधायक राजेंद्र जून और नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रवि खत्री राजेश जून भी मौजूद रहे। जहां दोस्तों की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें खुदाई में मजदूरों को मिला खजाने से भरा मटका लेकर मजदूर हुए 9-2-11। दोस्तों यूपी के जौनपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मकान की खुदाई के दौरान पुराने जमाने का एक संदिग्ध मटका मिला है। मटके को खाली किया गया तो उसमें खजाना मिला है। मटके से हजारों सोने के सिक्के बरामद हुए। भारी मात्रा में सोने के सिक्के को देखकर खुदाई कर रहे मजदूरों की आंखें चकाचौंध हो गई है और उनकी नीयत बिगड़ गई। इसके बाद मजदूरों ने सिक्कों को आपस में बांट लिया। इस दौरान कुछ सिक्के जमीन पर गिर गए। सिक्के बांटने के बाद मजदूर पता चला कि मौके से फरार हो गए हैं। इसकी जानकारी जब मकान मालिक को हुई तो वे मौके पर पहुंचा और सिक्कों के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। मकान मालिक को मौके से 10 सिक्के मिले हैं। धीरे धीरे मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने मकान मालिक से सिक्के ले लिए हैं और उन्हें जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस सिक्का लेकर भागे मजदूरों की पड़ताल कर रही है। दोस्तों मछलीगढ़ शहर के कजियाना मोहल्ले के एक मकान में नाली की टंकी बनाने के लिए खुदाई चल रही थी। इस दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों को जमीन से अंदर सोने के सिक्कों में भरा मटका मिला। मजदूर ने मकान मालिक को बिना बताए सिक्कों को आपस में बांट लिया है और वहां से फरार हो गए थे। मजदूरों के जाने के बाद मकान मालिक को मिट्टी के अंदर से 10 सिक्के बरामद हुए। इसके बाद मकान मालिक ने मजदूरों के साथ पूछताछ की तो पता चला सोने के सिक्के ने भरा मटका मिला था, जिसमें से कुछ मजदूर सिक्के लेकर फरार हो गए हैं। इस मामले से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया है। जहां दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें वेंकैया नायडू ने विदाई तोहफे के रूप में मानसून सत्र में अच्छी तरह से चलने की जताई उम्मीद। दोस्तों राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने संसद के मानसून सत्र की अच्छी तरह से चलने को सुनिश्चित करने के लिए सदन में सभी सदस्यों के परिवार को और रविवार को सहयोग मांगा और कहा कि उनका नायडू का विदाई तोहफा है। सूत्रों ने बताया कि वेंकैया नायडू अपने आवास पर आयोजित की गई एक सर्वदलीय बैठक में रिकॉर्ड संख्या में 41 नेता एवं मंत्री शरीक हुए हैं। उन्होंने अपनी ओर से सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया, साथ ही संसद के उच्च सदन में आश्वासन एवं सुव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उनकी सराहना की है। दोस्तों आपकी क्या राय, सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।